नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम सभी लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, तो हम सब ने इंटरनेट में एक नाम सुना होगा, टोरेंट। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं टोरेंट क्या है? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप टोरेंट के बारे में सिर्फ आपने उसका नाम सुना है, उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि टोरेंट क्या है, ये कैसे काम करता है। दोस्तों टोरेंट जो है एक वो फाइल शेयरिंग का और डाउनलोड करने का एक जरिया है, लेकिन इसकी जो डाउनलोडिंग होती है वो नॉर्मल डाउनलोडिंग से बिल्कुल अलग होती है। नॉर्मल डाउनलोडिंग हुई आपकी, जैसे मान लीजिए आप किसी मूवी को या किसी फाइल को किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि आप उस वेबसाइट का जो डाउनलोड लिंक होगा या जहां पर डाउनलोड स्विच होगा, आप उस स्विच पर क्लिक करेंगे तो वो जो फाइल है वो आपके पीसी पर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी, जितनी आपके इंटरनेट की स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उसी सेम टाइम पर बहुत सारे लोग मान लीजिए उसी फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उस वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा और उस वेबसाइट का सर्वर होना, जो सर्वर है उसको बहुत बड़ा होना जरूरी है ताकि वो ट्रैफिक को मेंटेन रख सके। लेकिन दोस्तों जो टोरेंट है वो इस तरह से काम नहीं करता, क्योंकि टोरेंट कोई सर्वर नहीं, मतलब टोरेंट का कोई अपना सर्वर नहीं होता। टोरेंट जो है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कंप्यूटर नेटवर्क में दो प्रकार के नेटवर्क होते हैं, एक होता है सर्वर बेस्ड और एक होता है पीयर टू पीयर। जो सर्वर बेस्ड नेटवर्क है वो एक उसका मेन सर्वर होगा और उसके बाकी क्लाइंट्स होंगे, जो बाकी कंप्यूटर होंगे वो उसके क्लाइंट्स होंगे। क्लाइंट्स और जो सर्वर होगा वो अपने रिसोर्सेज शेयर करेगा, जैसे हार्डवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो ये हुआ सर्वर बेस्ड नेटवर्क। और जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है उसमें जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हुए होंगे वो खुद में ही सर्वर होंगे और खुद में वो क्लाइंट होंगे। तो जो टोरेंट है वो इसी पीयर टू पीयर नेटवर्क पर टेक्नोलॉजी जो है इस पर काम करता है। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि टोरेंट काम कैसे करता है। दोस्तों मान लीजिए आपके पास कोई एक फाइल है जिसे आप ग्लोबली शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उतना बड़ा सर्वर नहीं है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप उसको टोरेंट पर अपलोड कर देंगे। और मान लीजिए कोई एक आदमी उसको अपने पीसी पर डाउनलोड करता है, तो क्या होगा, जितने आपके घर की इंटरनेट की या पीसी पर जो इंटरनेट की स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपके पीसी से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो जो व्यक्ति उसको डाउनलोड कर रहा है उसके पीसी पर वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, जो उसके इंटरनेट की स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग। और मान लीजिए उसी वक्त कोई तीसरा उस फाइल को डाउनलोड करता है, तो कि ऐसे में क्या होगा, वो फाइल आपसे तो डाउनलोड होगी, जो आपका कंप्यूटर है वहां से तो उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगी तीसरे व्यक्ति को, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति डाउनलोड कर रहा है उससे भी उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस तरह वो बहुत सारे पीसी पर सेव हो जाती है और उसके बहुत सारे सोर्सेस बन जाते हैं। तो मान लीजिए वो 500 पीसी के अंदर सेव है और कोई एक व्यक्ति उसको सर्च करके डाउनलोड करता है, तो वो जो 500 पीसी हैं, जो 500 लोगों के पास जो फाइल है वो वहां से उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और वो भी उसके वो चाहे अलग अलग पीस, उस फाइल के अलग अलग पीस उसको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से वो पूरी फाइल उसके पास पहुंच जाएगी, और उसके जितने जितने ज्यादा लोग वहां पर होंगे और जितने कम वहां पर डाउनलोड करने वाले होंगे उस स्पीड से वो उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ये था टोरेंट, कि टोरेंट क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आप टोरेंट को यूज करना चाहते हैं तो आपको इसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो टोरेंट की पहली टर्म है सीडर्स। जब आप टोरेंट की वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं और किसी फाइल को डाउनलोड करने के लिए उसके लिंक पर क्लिक करते हैं, तो क्या होता है कि आपको वहां पर फाइल की पूरी डिटेल आती है कि सीडर्स, और सीडर्स के आगे आपके नंबर दिए होंगे 1, 2, 10, 12, इस तरह से। तो सीडर्स क्या होते हैं दोस्तों? सीडर्स वो लोग या कंप्यूटर होते हैं जो फाइल को डाउनलोड तो कर रहे हैं, साथ में वो उसको अपलोड भी कर रहे हैं, तो उस टर्म को सीडर्स कहते हैं। डाउनलोड और अपलोड जो करते हैं सेम टाइम में उनको सीडर्स कहते हैं। और दूसरी टर्म आती है लीचर्स। और आप जो टोरेंट की वेबसाइट होगी वहां फाइल के नीचे लिखा होगा सीडर्स और लीचर्स। तो लीचर्स वो व्यक्ति हैं या वो कंप्यूटर है जहां पर फाइल डाउनलोड हो रही है, अपलोड नहीं हो रही है, डाउनलोड हो रही है। तो यह है लीचर्स। और एक और टर्म आती है एक्टिव लीचर, एक्टिव सीडर्स। एक्टिव सीडर्स क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर या लोग जो फाइल को डाउनलोड कर चुके होते हैं लेकिन उन्होंने टोरेंट को पॉज नहीं किया होता है या बंद नहीं किया होता है, वो उस फाइल को
अपलोड कर रहे होते हैं, यानी कि फाइल उन्होंने डाउनलोड कर ली है, उसके बाद वो अपलोड कर रहे होते हैं। जैसे आप किसी टोरेंट को, जब आप किसी फाइल को जब आप डाउनलोड करेंगे, जब वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद आप देखेंगे कि वहां पर सीडी, फिनिश के बाद सीडिंग का ऑप्शन आएगा, सीडिंग लिखा होगा। सीडिंग का मतलब कि वो आपके पीसी से अपलोड भी हो रही है। जब आप उसको फिनिश या पॉज कर देंगे तो तब वो सीडिंग बंद हो जाएगी, वहां पर फिनिश्ड आएगा।